हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पिज्जा परांठा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है व्हीट फ्लोर। आप चाहें तो इसमें मैदा भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ मैदे का भी डो बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल गेहूं काटा लिया है। इसको बनाने के लिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना, 2-3 चम्मच जो है मैंने ऑयल की डाल दी है। इसको इस तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार करेंगे। जैसे हम सिंपल आटा घर में बनाते हैं परांठा बनाने के लिए, उसी तरह से हमने ये तैयार करना है। ये हमारा आटा बनकर तैयार है। इसे हमने इस तरह से एक बर्तन में डालकर ढककर 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि आटा जो है सेट हो जाए। अब हम पिज्ज़ा परांठा के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉर्न्स लिए हमने आधी कटोरी, मोज़रेला चीज़ ग्रेट कर लिया है आधा कटोरी, शिमला मिर्च 1 कटोरी, प्याज आधा कटोरी, ये है पिज़्ज़ा सॉस, आधा टमाटर हमने काटा है बारीक बारीक, थोड़ा सा ही टमाटर लिया है, ये चिली फ्लेक्स हैं, इटालियन सीजनिंग, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, और नमक। अब हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। ये हमने इसमें मोज़रेला चीज़ डाल दिया। एक बाउल के अंदर हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है, शिमला मिर्च, कॉर्न्स, प्याज, टमाटर, टेस्ट अनुसार नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हमने आटे के अंदर भी नमक डाला और चीज़ के अंदर भी नमक होता है। ये हमने ऑरेगानो लिया, चिल्ली फ्लेक्स, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। जो कॉर्न्स लिए हैं इसको 30 सेकंड के लिए हमने माइक्रोवेव में रखा है। ये पिज़्ज़ा परांठा के लिए मिक्सचर हमारा तैयार है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा परांठा। इसके लिए हमने थोड़ा सा ये ड्राई आटा ले लिया है। इस तरह से हमने एक चपाती के लिए पेड़ा बनाना है। जैसे हम सिंपल चपाती घर में बनाते हैं, उसी तरह से हमने ये चपाती बेलनी है। सूखा आटा लगाकर इस तरह से हमने इसको पूरा बेल लेना है। आप देख रहे हैं किनारों से पतला करते हुए हमने चपाती को पूरा बेल लिया है। इसको हमने बेलकर एक साइड पे रख लेना है। इसी तरह से हमने एक और चपाती बेल लेनी है। इसी तरह से इसको भी हमने पूरा बेलना है। ये हमने एक और चपाती बेल ली है। अब हमने इसके ऊपर लगानी है पिज़्ज़ा सॉस। इसको हमने पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर लेना है पूरी चपाती के ऊपर। हमने इस तरह से किनारों को आप छोड़ सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने इस मिक्सचर को स्प्रेड कर देना है। इसे अच्छे से हमने फैला देना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और डालेंगे, ताकि ये अच्छे से पूरी चपाती के ऊपर आ जाए। किनारे आपने छोड़ देने हैं। अब जो हमने चपाती बेल कर रखी थी, उसको इसके ऊपर हमने रख देना है इस तरह से। साइड से दबाते हुए थोड़ा थोड़ा हमने इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमने चपाती को बना लिया है। अब हम इसे इसी तरह तवे के ऊपर डालेंगे। तवे को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। फ्लेम हमने एक बार हाई कर दी है, ताकि तवा जो है वो हमारा गर्म हो जाए। इसके ऊपर हमने ऑयल गिराकर ऑयल को पूरा स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। पूरे तवे के ऊपर हमने ऑयल को स्प्रेड कर लिया है।
तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर चपाती को इस तरह से डालेंगे। परांठे को एक तरफ से ब्राउन होने दें। जैसे हम घर में सिंपल परांठा बनाते हैं वैसे ही ये परांठा बनाना है। बहुत ही आसान है, इसको बनाना मुश्किल नहीं है। एक तरफ से हल्का ब्राउन होने पे इसे पलटना है हमने। आप देख रहे हैं एक तरफ थोड़ा सा परांठा पक गया है तो हमने इसको पलट दिया है। थोड़ा सा हम उठा कर देख सकते हैं कि ये परांठा दूसरी तरफ से पका है। दूसरी तरफ से ये परांठा पक गया है, इसे हमने पलट दिया है और इस तरफ हमने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। आप चाहें तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हिलाते हुए परांठे को दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकने दें, कच्चा ना रह जाए। जैसे ये साइड्स हैं इनको अच्छे से पकाना है हमने। अब इसको दोबारा से पलट लें। आप देख रहे हैं कि एक तरफ से पूरी तरह से पक चुका है। इसके जो किनारे हैं उनको अच्छे से पका लेना है इस तरह से प्रेस करते हुए, जैसे हम घर में परांठा बनाते हैं उसी तरह से इस परांठे को भी हमने बनाना है। परांठा हमारा तैयार हो गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। अब हम आपको एक दूसरे तरह से बना के दिखाते हैं। इसमें ऐसे ही एक पेड़ा ले लेना है हमने, थोड़ा सा बड़ा लेना है, इसको पूरा बेल लेना है हमने। आप देख रहे हैं कि हमने इसको किनारों से बेलते हुए पूरा बेल लिया है। अब हमने इसके हाफ में लगा देनी है पिज्जा सॉस और ऐसे ही हमने किनारों पे एक साइड पे मिक्सचर जो है फैला देना है। ये हमने मिक्सचर को फैला दिया है। अब इसको हमने हाफ से उठाना है और इस तरह से हमने बंद कर देना है। इसे हमने ऐसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए, या आप फोक से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, इसे हमने हल्का हल्का प्रेस करते हुए साइड से बंद कर दिया। इस तरह से हम इसको फोक से भी बंद कर सकते हैं। अब इसे हम तवे पे डालकर ऐसे ही पकाएंगे जैसे हमने पहले परांठा पकाया है। ऐसे हम स्प्रेड कर लेते हैं ऑयल को और हमने इसको इसी तरह से डाल देना है। इसे हम इस तरह से पलट देते हैं, ऑयल लगा देते हैं साइडों से। हम ऑयल लगाते हुए ऊपर भी हमने इसके ऑयल लगा देना है। इसी तरह से पलटते हुए इसको हमने इस तरह से पका लेना है ताकि जो हमारा किनारा है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसको भी इस तरह से पलट लें। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से ये अच्छे से पक गया है। इसे भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। ये हमारा पिज्जा परांठा तैयार है। इसे हम मक्खन के साथ, सॉस के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। इस तरह काट के हम इसे सर्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पिज़्ज़ा परांठा कितना अच्छा बना है। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।